नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बनेगा ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम। रक्षाबंधन पर सीटीओ की बसों में महिलाओं को नहीं लेनी होगी टिकट। गुरमीत राम रहीम को झटका, खारिज हुई पेरोल अर्जी। लंदन में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। बठिंडा में पिता ने 5 साल की बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी। 8 नवंबर को करतार कॉरिडोर के लिए जाएगा पहला जत्था। अब आपको घर के कचरे के बदले मिलेगा अच्छा खाना, कुलू प्रशासन की नई पहल। अब मलेरिया से निपटने के लिए हिमाचल के जिलों में एक्शन शुरू। दिल्ली यमुना नदी के पानी को संचय करके पीने योग्य बनाया जाएगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के दायरे में होंगे सभी भारतीय क्रिकेटर। अब खबरें विस्तार से। डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बढ़ाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है। इस ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम के बारे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO सुनील दत्त ने बताया। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को पार्किंग के समय लंबी कतार के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस बार रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस एक ही दिन 15 अगस्त को आ रहे हैं। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग CTU की बसों पर इस बार रक्षाबंधन के पावन मौके पर शहर की महिलाओं को पूरे शहर में फ्री में यात्रा करवाई जाएगी। यात्रा के दौरान महिलाओं को अपना परिचय पत्र साथ में रखना होगा। दो साध्वियों से दुष्कर्म और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका लगा है। गुरमीत की पेरोल की उम्मीद टूट गई है। इस बारे में गुरमीत की पत्नी ने हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। हाई कोर्ट ने इस बारे में सुनारिया जेल के अधीक्षक को निर्णय लेने को कहा था। सुनारिया जेल के अधीक्षक ने शुक्रवार इस बारे में निर्णय लेते हुए गुरमीत राम रहीम को पेरोल देने से इनकार कर दिया। गीता की अमरवाणी शुक्रवार को लंदन में भी गूंजी। यहां आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज हुआ। लंदन के क्राउन प्लाजा होटल में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के प्रवचन से महोत्सव का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव यहां 3 दिन चलेगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पदाधिकारियों सहित उद्योग मंत्री विपुल गोयल इस महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेने लंदन पहुंचे हैं। बठिंडा में सौतेले पिता ने 5 साल की बच्ची को इसलिए मार डाला क्योंकि उसे लड़कियां पसंद नहीं थी। आरोपी ने बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर लाश गांव के छप्पड़ में फेंक दी। अगले दिन सुबह शोर मचा दिया कि बच्चे उठाने वाला गिरोह उठा ले गया, लेकिन आरोपी का यह ड्रामा ज़्यादा देर नहीं चला। लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछा तो जुर्म कबूल कर लिया। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के समागमों की तैयारी और करतारपुर कॉरिडोर के प्रबंधों का जायजा लेने के लिए सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। रंधावा ने बताया कि 8 नवंबर को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतार साहिब के दर्शनों के लिए पहला जत्था रवाना होगा, जिसमें CM के साथ मंत्री, विधायक और संगत शामिल होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपके घर के कचरे के बदले आपको कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? जी हाँ, एक नई पहल। कुल्लू जिला प्रशासन 10 अगस्त से वेस्ट टू टेस्ट कैफे नाम से योजना शुरू कर रहा है। कैफे में कचरा देने पर शहर के नामी रेस्टोरेंट का कूपन मिलेगा, वहाँ जाकर आप मनपसंद खाना खा सकेंगे। हिमाचल के सभी जिलों में मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को ख़त्म करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च की ओर से टेक्नीशियनों की टीम ने 3 दिवसीय सर्वे शुरू कर दिया है। दिल्ली से ऊना पहुंची टीम ने काम शुरू कर दिया है। बुधवार व वीरवार को ऊना के कई स्थानों पर जिला स्वास्थ्य विभागों की टीम ने निरीक्षण भी किया। यमुना के किनारे जल संचय योजना का आगाज शुक्रवार को हो गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त रूप से दिल्ली सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दिखाई। योजना के तहत नदी के बाढ़ क्षेत्र में 1 से 1.5 मीटर गहरे गड्ढे बनाए जाने हैं। इसमें बाढ़ का पानी संग्रह होने से भू जल स्तर बेहतर होगा, साथ ही गर्मी के दिनों में इसका इस्तेमाल पेयजल के तौर पर होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड शुक्रवार को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के दायरे में आने को तैयार हो गया।
इसके साथ ही बीसीसीआई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बन गया। अब कोहली रोहित समेत सभी क्रिकेटरों का डोप टेस्ट नाडा ही करेगा। अभी तक स्वीडन की एक एजेंसी बीसीसीआई के लिए डोप टेस्ट का काम करती थी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।